नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। बिजनौर के एक निजी बैंकेट हॉल में बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर के नाम पर देश भर से उगाए जाने वाले चंदे से बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी और 100-100 हेलीकॉप्टर चुनाव में लगाए जाएंगे। सतीश चंद मिश्रा का बड़ा बयान। प्रदेश सरकार ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन कर मार रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हाथरस में युवती के साथ बलात्कार हुआ। युवती के शव को रात 2 बजे जला दिया गया। परिजन तड़पते रहे, युवती का शव नहीं दिया गया। भाजपा सरकार में मीडिया कर्मियों पर लाठियां फटकारी गई। मायावती ने सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया है। बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान दिया है। ब्राह्मण समाज के 15 लोगों को MLC बनाने का काम किया और ब्राह्मण समाज ने भी बहन जी का पूरा समर्थन किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को बहकाने के लिए 15 लाख रुपए खाते में देने को कहा था, लेकिन सब कुछ जुमला साबित हुआ। बीजेपी ने सब कुछ पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया है। LIC, रेलवे, किसानों की जमीनें भी बेचने का काम बीजेपी ने किया है। कृषि कानून का विरोध भी BSP ने लोकसभा और राज्यसभा में खुलकर किया है। अयोध्या में हम भी गए, अयोध्या में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। बीजेपी वोट के लिए भगवान श्री राम का नाम लेती है। लाखों करोड़ों रुपए मंदिर के नाम पर कमाने का काम इन लोगों ने किया है। स्पाइक क्लिनिक, हड्डियों व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज, डॉक्टर HK पूर्व चिकित्सक, भारतीय सर्वश्रेष्ठ नौसेना अस्पताल, नई दिल्ली। पता स्टेशन चौराहा, चौधरी फर्नीचर के सामने, नजीबाबाद रोड, किरतपुर। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खासतौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रहार करने का काम अपनी सरकार में करते थे, उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण समाज को, हमारे दलित समाज के भाई बहनों को, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल दहशत का बना रखा है कि उनको डराना, धमकाना और उसके लिए चाहे फिर उनको गोली मार देना, उनका एनकाउंटर कर देना, घरों से उठा ले जाना और उसके बाद एनकाउंटर कर लेना, ये सारी प्रक्रिया अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो ये सोच करके कर रही है कि ब्राह्मण समाज वो समाज है जो भगवान श्री परशुराम का वंशज है और वो डरता नहीं है, धमकियों में नहीं आता है, लेकिन इसको इतना भयभीत कर दो, इतना प्रताड़ित कर दो कि सरकार का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल करके ये डर जाए और भयभीत हो जाए। और इसको ये इस लायक है कि सब समाज की बात करते हैं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।